नमस्कार, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आपका स्वागत है हमारे खास शो में। भारत समेत दुनिया भर में हार्ट फेलियर की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और इसके सबसे बड़े कारण में से एक है मोटापा, ओबेसिटी। ये समस्या गांव से लेकर शहरों तक में है। मोटापे के कारण हाई बीपी और ब्लड शुगर जैसी समस्याएं होती हैं। ये दिक्कतें ऐसी हैं जो हार्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मोटापा और हार्ट फेलियर के बीच क्या कनेक्शन है, कैसे आप मोटापा कम करके हार्ट फेलियर की समस्या से दूर रह सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें कि ओबेसिटी से बचे रहें, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, MBBS, MD-DM, कार्डियोलॉजी, FSCAI, USA, FAPSIC, FICC, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट। डॉक्टर माहिम सरन, DM कार्डियोलॉजी, FSCAI, FACC, FAPSIC, एसोसिएट डायरेक्टर, मेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट, लखनऊ। डॉक्टर विनय पांडे, MBBS, MD-DM, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हिमांशु गुप्ता आपसे है, मोटापा हार्ट फेलियर के खतरे को कैसे बढ़ाता है? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि मोटापा अपने आप में एक घातक बीमारी है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे दिल की काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जितना ज़्यादा वजन होता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उस बॉडी वेट में ब्लड सप्लाई करने के लिए। अब होता क्या है कि उस हार्ट को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि दिल में ब्लॉकेजेस होने की संभावना बढ़ जाती है, दिल पे जोर पड़ता है और फिर हमारे फेफड़ों में पानी आने लगता है, जिसकी वजह से मरीज जो है बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत चलने में थकान होने लगती है, थोड़ा बहुत चलने में सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है या फिर छाती में दर्द होने लगता है। अपने आप वजन बढ़ने की वजह से दूसरे रोग भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियाँ बढ़ेंगी, दिल में ब्लॉकेजेस होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है कि जितना ज़्यादा वजन आपका होगा, उतना ही ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, बार बार हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कुछ अलग तरह के रोग भी देखे गए हैं, जैसे कि दिल के वॉल्व में प्रॉब्लम होना या फिर दिल में कंडक्शन सिस्टम टिश्यूज़ की प्रॉब्लम होना, मीन्स दिल की धड़कन अनियमित तरीके से चलने लग जाती है, अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, या फिर दिल की धड़कन रुकने लग जाती है जिसमें हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जैसी समस्याएं होती है जिसमें हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। सो मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं है, तो मोटापा एक तरीके से पूरा सिंड्रोम होता है जिसमें कि कई सारी कोमोबिडिटीज़ या कई सारी बीमारियाँ आपस में जुड़ी हुई हो रहती हैं, साथ में हार्ट में इतना ज़्यादा जोर पड़ता है कि वो अल्टीमेटली एक हार्ट फेलियर वाली स्टेज में चला जाता है। देखिए, हार्ट फेलियर कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि हार्ट एकदम से रुक गया, हार्ट एकदम से फेल हो गया। हार्ट फेलियर एक क्लिनिकल इम्पैक्ट होता है हार्ट पे, जिसकी वजह से हार्ट पे इतना जोर पड़ता है कि लंग्स में हल्का फुल्का पानी आने लगता है और हमारी सांस फूलने लगती है या फिर थकान होने लगती है। अगर हम बात करें कि मोटापे की वजह से लंग्स में क्या फ़र्क पड़ता है, तो जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सांस लेने की क्षमता, लंग्स के एक्सपैंड होने की क्षमता भी कम हो जाती है। और एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मींस गर्दन का मोटापा बढ़ जाता है, सीने का मोटापा बढ़ जाता है और मरीज जब सांस लेता है तो खर्राटे बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, टंग फॉल कर जाती है और जब वो रात में सोता है तो बीच बीच में उनकी सांस रुकने लग जाती है, तो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जिन मरीजों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, उनमें स्वतः ही हार्ट की बीमारियां, हार्ट की परेशानियां और तेजी से बढ़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मोटापा हो रहा है, आपका BMI अगर 30 से ऊपर है, ओबेसिटी की रेंज में जा रहा है, तो अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं। आज के समय में बहुत सारे इलाज हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम इस बीमारी से निजात पा सकें। डॉक्टर माहिम, आप बताइए कि बॉडी मास इंडेक्स और हार्ट फेलियर में क्या संबंध है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी मास इंडेक्स हमारी हाइट और हमारे वेट के हिसाब से निकाला जाता है।
इंडियंस के लिए इसके स्टैंडर्ड्स कम होते हैं, वेस्टर्न के लिए स्टैंडर्ड्स ज़्यादा होते हैं, बट बेसिकली हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट जितना होता है उस पर डिपेंड करता है कि हार्ट को कितना काम करना पड़ रहा है। जैसे जैसे हमारा बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे हार्ट को उतना ही ज़्यादा फोर्स और उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हार्ट की मसल्स के ऊपर असर आने लगता है। जैसे जैसे बॉडी मास इंडेक्स कम होता है उसी की वजह से पेशेंट को काम करने में, सांस लेने में काफ़ी आराम आने लगता है। एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस एक और चीज़ है जो हमारे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और इसको अगर हम लोग 90 सेंटीमीटर से कम या उस पर मेंटेन करके रखेंगे तो उससे हम लोग की दिनचर्या और हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। डॉक्टर विनय पांडे, आपसे जानेंगे हाई विसरल फैट क्या होता है और ये हार्ट फेलियर में क्या रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसके अराउंड जो फैट होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं। नॉर्मली इसका जो अमाउंट है वो टोटल फैट बॉडी का उसका 10% होता है। जब किसी भी वजह से इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए उसको हाई विसरल फैट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है हमारा एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब एकदम बैठे हुए से मोटापा बढ़ रहा है, और दूसरा होता है खाने पीने में। आप जो हम खा रहे हैं प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसके वजह से, जंक फूड खा रहे हैं उसके वजह से मोटापा बढ़ रहा है। तो मोस्ट कॉमन कॉज तो विसरल फैट बढ़ने का यही होता है। विसरल फैट बढ़ता है जब, तो उसके वजह से होता है क्या है कि जो पॉट बेली हो जाती है ना, हम लोग देखते हैं कि पूरा सारा हाथ पैर तो पतला है पर फैट पेट एकदम निकला हुआ है, दैट इज़ ऑल बिकॉज की विसरल फैट बॉडी के अंदर जमा ज़्यादा हो रहा है। तो उसके वजह से ऑब्वियसली हार्ट के प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता है, जिसमें से हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है और हार्ट फेलियर आता है। अल्टीमेटली जो मोस्ट कॉमन कॉज हार्ट फेलियर का है वो है हार्ट अटैक। हार्ट के अटैक की वजह से हार्ट का पंपिंग कम हो गया, उसके वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। दूसरा जो दूसरे कॉज होते हैं होते हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो मोटापे की वजह से बीपी भी बढ़ता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है, और फिर इसके वजह से फिर हमारा हार्ट फेलियर का दूसरा जो एस्पेक्ट होता है उसको हार्ट फेलियर में प्रेजेंटेशन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, दोनों की वजह से मोटापा एक मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। और मोटापा बढ़ने का रीज़न ये हाई विसरल फैट, और हाई विसरल फैट का जो रीज़न है वो है कि हमारी दिनचर्या रोज की जो कि एक जगह बैठे हुए ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है और हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु, आप बताइए हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं जो लोगों को जानने बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हार्ट फेलियर अपने आप में एक सिंपल बीमारी नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया ये एक सिंड्रोम होता है, इसमें बहुत तरह के सिम्टम्स होते हो सकते हैं। हार्ट फेलियर मींस दिल पे इतना जोर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई नहीं पर कर पा रहा है प्रॉपरली, और उसकी वजह से फेफड़ों में पानी आ रहा है और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अगर हम ये बोलें कि मोटी मोटी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट फेलियर के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, सो सांस फूलना, चलने पे सांस फूलना या फिर बैठे बैठे अचानक से सांस फूलने लग जाना, चक्कर या बेहोशी आना, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, हाथ पैरों में सूजन होना, पेट में सूजन या चेहरे में सूजन होना, ये सारे के सारे साइंस होते हैं कंजेशन के। कभी कभी कई सारे मरीज सिर्फ पेट में सूजन बताते हैं या फिर पेट में दर्द बताते हैं, वो भी हार्ट फेलियर का साइन होता है। डॉक्टर माहिम, आप बताइए वेट लॉस करके हम हार्ट फेलियर के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। वेट हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे वेट बढ़ता है हमारी बॉडी का मास और सब कुछ और विसरल फैट और हमारे काम करने की इच्छा, ये सब चीज़ें पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे आदमी का मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे वो थोड़ा सुस्त होने लगता है, चीज़ों में उसका मन लगना, टहलने जाना, वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें उसको करने का मन नहीं करता है। कई लोग जिन लोग का वेट ज़्यादा होता है उन लोग के घुटने में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, एंकल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक खड़े रहना उन लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। हार्ट की हेल्थ के लिए हम लोग को टहलना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और उसको फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा विसरल फैट बढ़ता है, हार्ट के ऊपर वेसल्स की कंप्लायंस जो होती है वो ख़राब होती चली जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को अगर उसी पेशेंट में जिसका वेट कम है और एक पेशेंट जिसका वेट ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे तो हार्ट को उस पेशेंट में ज़्यादा काम करना पड़ेगा
ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी मसल्स हाइपरट्रॉफी ज्यादा होंगी जिसमें उसका वेट ज्यादा है। जैसे जैसे मसल्स हाइपरट्रॉफी होती चली जाएंगी वैसे वैसे जो है वो धीरे करके उसकी रिलैक्सेशन पावर भी कम होती जाएगी। दूसरा ये है कि मोटापा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सीडेंट्री लाइफ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कॉर्नरी आर्टरीज और सेरेब्रोवैस्कुलर आर्टरीज में भी क्लॉट्स, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो मोटापा हमें किसी भी हाल में उसको रोकना है और हम लोग को रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर ट्रेनिंग से हम लोग को इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहे। सबसे कॉमन फैक्टर जो हम लोग मोटापे में देखते हैं वो होता है हार्ट फेलियर, जिसको हम लोग हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें पेशेंट की हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है बट वो इतना रिलैक्स नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से दिल के बॉडी के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर खून मिल सके और उसकी सांस फूलती रहती है। तो ये मोटापा कम करने से हम लोग काफी हद तक इन सब चीजों से बच सकते हैं। डॉक्टर विनय, ये बताइए हार्ट फेलियर के खतरे को कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है? हार्ट फेलियर को कम करने के लिए हार्ट फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। वो क्या रहा है, जो कॉमन वजह है हार्ट फेलियर की वो है मोटापा। मोटापा की वजह से डायबिटीज हो रहा है, मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। मोटापा अपने आप की कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है, मतलब हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है। तो हमें मोटापा कम करने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। स्पेशली हम जो डेली जो बहुत ही बिजी हैं वो अगर कुछ भी नहीं कर सकते एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करें। फास्ट ब्रिस्क वॉक करना इतना तेज करें कि आपकी सांसें तेज चले और दिल की धड़कन आपको तेज महसूस हो, इतना तो मिनिमम करें। और कल एटलीस्ट ये हफ्ते में 5 दिन तो करना चाहिए 30 मिनट्स डेली, अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है और हमें हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें बैठने वाला काम है तो बैठने वाले काम के बीच में अगर आप 30 मिनट तक बैठे हैं तो बीच में उठिए, कम से कम जाके 5 मिनट वॉक करके आइए फिर बैठ जाइए। तो फिजिकल एक्टिविटी तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और वो हमें एक्टिव रहना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, बात करें नींद की, तो नींद कितना अहम रोल निभाती है हार्ट फेलियर के खतरे को कम करने में? देखिए, नींद अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट दवा होती है। नींद सबकी रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रॉपर नींद, साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए और स्लीप भी ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरे रेस्टफुल रहें, बार बार आपको पेशाब करने के लिए या किसी और वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, स्लीप एपनिया नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर हार्ट फेलियर की हम बात करें तो हार्ट फेलियर के मरीजों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है अगर आपके मोटापा आपको बहुत ज़्यादा है, या फिर स्वतः ही हार्ट फेलियर के मरीजों में स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। मतलब जब वो सोएंगे तो उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी, सीधा लेटेंगे तो सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी, और अगर वो सो भी जाएंगे तो अचानक से उनकी सांस फूलती है और वो उठ के बैठ जाते हैं, तो बार बार नींद टूटने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि नींद हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती है या लेट नींद आती है, या फिर अगर नींद आती है तो नींद की क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो ज़रूरी अपने डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। अदरवाइज़ कई बार मरीजों में रात में नींद ना आने की वजह से सुबह बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस सी फील होती है और इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। नींद नहीं आने की वजह से लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगेन स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हार्ट में समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना, हार्ट फेलियर होना। तो ये सब एक तरह से लूप में चलता है, और शुगर और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होना, इवन अगर हम बोलें कि एडिक्शंस की बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन करते हैं, स्मोकिंग लेते करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर और कोई एडिक्शन करते हैं, तो भी आपकी जो नींद प्रॉपर नहीं होगी, नींद डिस्टर्ब रहेगी, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे और एंजाइटी से भरे हुए होंगे। सो एक प्रॉपर नींद लें, उसको अच्छा करने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं वो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी डाइट लें, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर माहिम, डाइट या खाना हार्ट फेलियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अपने खाने में हम क्या बदलाव करें कि हार्ट फेलियर की समस्या से बचे रहें? हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा है, उसकी वजह से हमारा खान पान पहले के मुकाबले बहुत चेंज हुआ है। हम लोग की डाइट, हम लोग की एक्सरसाइज, खाने का कोई टाइम नहीं है, हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो सबसे पहले ये है कि समय होना चाहिए खाना खाने के लिए, और सही समय पे खाना खाना जरूरी है। हम लोग की टाइमिंग सेट होना जरूरी है। रात को सोने से 3 घंटा पहले कम से कम हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट टहलना भले ही घर के अंदर हो वो जरूरी हो जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना बहुत अच्छी हैबिट्स नहीं है, जिससे अननेसेसरी मोटापा बढ़ता है और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। डाइट अगर रेगुलराइज नहीं है तो उससे हमारे मोटापा बढ़ने का और हार्ट फेलियर होने के कई चीज़ें बढ़ सकती हैं। खाने में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सैचुरेटेड फैट्स, डीप फ्राइड जो हम लोग चीज़ें लेते हैं, हम लोग कुकिंग ऑयल में कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेबली हम लोग मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं यूजुअली। मैं ये अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि दिन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक ही तेल में 2 बार खाना ना बने, एक बार चाहे सनफ्लावर यूज़ कर लें, एक बार चाहे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें। अब आते हैं डाइट के ऊपर। डाइट में हम लोग को कभी भी बिंज ईटिंग नहीं करनी चाहिए। होता यह है कि सुबह नाश्ता करके निकले, दिन भर हम लोग बिजी रहते हैं, शाम को आके एकदम भूख लग रही होती है और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है, बिंज ईटिंग नहीं करनी है। हमें शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स पे हल्का फुल्का खाते रहना है। खाने में फाइबर की डाइट ज़्यादा होना ज़रूरी है। सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, चना, दाल, राजमा, ये सब चीज़ें हमारे कम से कम एक बार डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वंस इन अ वाइल ठीक है, बट अगर इसी को हम लोग अपनी स्टेपल डाइट बना लेंगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। डाइट को बहुत इम्पोर्टेंट, लोग वेस्टर्न कंट्री में डाइट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर डाइट के प्रॉपर कोर्सेज किए जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ किस आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हार्ट के मरीज अगर हम लोग बात करें तो हार्ट के मरीज में हम लोग को नमक की मात्रा, तेल की मात्रा, मिर्च मसाला, ये सब चीज़ें हमें कम रखने की ज़रूरत रहती है। दूसरा चीज़ ये है कि सांभर हो गया, पापड़ हो गए, अचार हो गए, जो हमारे इंडियन डाइट का एक बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, उस चीज़ को हमको अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी नमक ज़्यादा जाता है, तेल जो होता है वो जाता है, और ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में, इंडियंस की डाइट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हमें एक टाइम का मील जो है उसको कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज़्यादा और फाइबर ज़्यादा रख के हम लोग को ये चीज़ डिस्कस करनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ स्टेपल्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक बार में हम लोग एक पल्स से ज़्यादा ना खाएं। अगर रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाएं, अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाएं, दोनों चीज़ों को मिला के ना खाएं। और तेल का मैं बता ही चुका हूँ कि अगर हो सके तो दिन में 2 तरीके के तेल यूज़ करना ज़रूरी है। डाइट अगर कंट्रोल रहेगी तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा तो एक्सरसाइज आदमी बेटर करेगा, एक्सरसाइज बेटर करेगा तो उसका दिमाग ज़्यादा शांत रहेगा, स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से हम लोग हार्ट की डिजीजेज जैसे हार्ट फेलियर, कॉरनरी आर्टरी डिजीज या स्ट्रोक को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर विनय, ओबीस पेशेंट में बेरियाट्रिक सर्जरी का क्या इम्पैक्ट होता है? बेरियाट्रिक सर्जरी जो है बेसिकली वो लास्ट रिजॉर्ट होता है ओबेसिटी कम करने का। जब आपके सारे मेथड्स फेल हो गए, आपने फिजिकल एक्टिविटी कर लिया और आपने ड्रग्स आती उसके पहले वो भी ट्राई कर लिया और इसकी वजह से आपकी ओबेसिटी कम नहीं होती, तो फिर बेरियाट्रिक सर्जरी किया जाता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी करेगा क्या, बेसिकली आपके बॉडी का विसरल फैट है वो कम कर देगा। फैट कम होने की वजह से मेटाबॉलिज्म में भी फर्क पड़ेगा आपके, आपका जो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाएगी, आप थोड़े हल्के हो जाएंगे तो आप फिजिकली एक्टिव बनेंगे। तो उसके वजह से होगा क्या कि एक तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा और जो बॉडी में रीमॉडलिंग हो जाती है हार्ट की, अगर कोई पेशेंट मोटा है तो जो होता क्या है कि मोटापे की वजह से हार्ट की मसल्स मोटी हो जाती हैं, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी से एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो उसको बेरियाट्रिक सर्जरी से हम उसको अगर मोटापा कम करेंगे तो बॉडी की स्टैमिना बढ़ेगी, उससे हार्ट की मसल्स की भी स्टैमिना बढ़ेगी, तो जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो हमारा पंपिंग भी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, फेफड़ों को हवा भी ज़्यादा अच्छा पहुँचेगी,
इसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स की जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर हार्ट फेलियर का रिस्क कम हो जाएगा। डॉक्टर माहिम ये बताइए, मोटापा मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है और इससे हार्ट फेलियर का खतरा कितना रहता है? मोटापा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं वो एक सोसाइटी में उन लोग को एक अलग निगाह से देखा जाता है। ज़्यादा मोटे लोग जो हैं अपने पीयर ग्रुप में काफ़ी हद तक उनका मजाक उड़ाया जाता है। वो लोग अपने पीयर ग्रुप में कोई बाहर जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो वो लोग थक जल्दी जाते हैं, उनका काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक मोटापे, जो मोटा आदमी है या फिर जो ज़्यादा मोटा आदमी है उसको अपने अंदर एक इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन जैसी या फिर बहुत स्ट्रेस उसके दिमाग में आ जाता है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है। मेंटल हेल्थ गिरती है तो आदमी का किसी भी चीज़ में काम में मन नहीं लगता है, अपने काम पे वो थका हुआ रहता है, अभी कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने में उसका मन नहीं करता है, जिसकी वजह से ना वो एक्सरसाइज कर पाता है, ना वो खुश रह पाता है और स्ट्रेस के लेवल्स उसकी बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं। ये तीन भाई बहुत मेजर रिस्क फैक्टर हो जाते हैं हार्ट हेल्थ के लिए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ को सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप अनहेल्दी होते चले जाते हैं, सबसे पहली चीज़ जो अफेक्ट होती है वो होती है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी तो आप किसी भी तरह की कोई भी परहेजी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो चीज़ आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगी जितना एक मेंटली हेल्दी आदमी को करती है। तो उस चीज़ को देखते हुए मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए हमको अपना स्ट्रेस लेवल्स, लोगों से बातचीत, अपने दिनचर्या में अपनी एक हॉबी, आपको एक हॉबी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका मन लगा रहे और बाकी परेशानियों से आपका दिमाग हट सके जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। आजकल के ज़माने में अपने मरीजों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि फ़ोन देखना और टीवी देखना मेरी हॉबी है, इसको हॉबी नहीं मान सकते। हॉबी जो होती है वो बेसिकली आपका मन जो है किसी और चीज़ से हटाने के लिए होती है, जैसे बुक रीडिंग होती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के लिए टहलना होता है, कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स होता है, कुछ लोगों के लिए ड्राइविंग होती है। तो ये सब चीज़ों को आपको डेवलप करना चाहिए। हर एक आदमी की एक हॉबी होनी चाहिए जिसको वो टाइम दे सके। अगर कोई आदमी अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहा है तो उसको पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आपको अगर अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करके रखना है तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल, अपना खुशी, अपनी फैमिली को टाइम देना और एक हॉबी, ये बनाना जरूरी है। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में इतना ही, धन्यवाद।